नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। तो आज 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो नए अपडेट हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बाजू में घंटी के चिन्ह है इसको भी दबा लें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हाल ही में भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन का पहला परीक्षण कहाँ किया गया था? कोटा में किया गया था। हाल ही में मोडेज की रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुपात है? 7.2% रहने का अनुपात है। हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किस देश की यात्रा पर गई हुई हैं? यह संयुक्त अरब अमीरात में गई हुई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व बैंक ने 2021-25 के लिए जलवायु कार्यवाही में कितने बिलियन डॉलर निवेश किए हैं? 200। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? पोलैंड में किया गया है। हाल ही में पुणे इंटरनेशनल मैराथन 2018 किसने जीती है? अटलाविस डेबो ने जीती है। हाल ही में एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ शुरू किया गया था? काठमांडू में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये 8 क्वेश्चन है। अगर जो है जानकारी आपको पसंद आई है हमारी 8 क्वेश्चनों की, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली बार जो विजिट करें चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली नई जानकारी के साथ, फिर से नमस्कार।